अभी आप देख सकते हैं बहुत से भक्तजन जो है अभी बाबा के दरबार में कांवर लेके जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं यही घाट है जहां अब की बार जो है कांवरिया के लिए जो है बनाया गया है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज दिया गया है। सुल्तानगंज आए हुए हैं जहाँ से बोलबम का नारा लगाते हुए जितना भी कांवरिया भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो सभी यहाँ से चल के देवघर को जाते हैं। तो अभी हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ का निरीक्षण करते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। अब की बार जो है बोलबम में बहुत ही मज़ा आने वाला है भक्तजनों के लिए, क्या है कि बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज दिया गया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इधर जितने भी भक्तजन हैं, अभी ये देखिए सभी जो है अपना जल को पूजा करवा रहे हैं और यहाँ से सब जो है सब लोग जाएंगे यहाँ से देवघर। तो आगे का नज़ारा कैसा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सभी कांवरिया भक्त लोग जो आए हुए हैं, यहाँ एक महीना पहले से ही बाबा का जल लेके जाया जा रहा है देवघर। तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज अभी दिया गया है वो सारा फैसिलिटीज को हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इधर भी बहुत दूर से कांवरिया लोग आए हुए हैं जो कि अभी पूजा करवा रहे हैं और यहाँ से जो है अभी जल लेके देवघर जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सुबह का 5 बज चुका है। क्या है कि हम सुबह कल ही आए थे यहाँ पे और रात भर यहाँ हम रुके थे, इसलिए मैं सोचा सुबह का जो भी नज़ारा है बम का वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी हम आ चुके हैं और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ का कैसा नज़ारा है। ये सभी बस जो है अभी देवघर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से जो है सब बाबा का जल ले लिए हैं और सभी जो है बस देवघर की ओर निकल चुके हैं। तो सुल्तानगंज में जो जो भी चीज़ है अभी नया नया जो फैसिलिटी दिया गया है, लॉन्च किया गया है, वो सारी फैसिलिटीज़ को हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अभी जो है बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है भोले बाबा के लिए, सबसे बेहतरीन, सबसे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का धथुरा। अभी आप देख सकते हैं हर जगह आपको धथुरा मिलेगा, यहाँ पर भोले बाबा को चढ़ाने के लिए आप यहाँ से धथुरा ले सकते हैं। फिलहाल जो है अभी हम सुल्तानगंज का नज़ारा दिखा दे रहे हैं आपको कि सुल्तानगंज का नज़ारा कैसा है और अब की बार जो है कांवरिया के लिए कैसा व्यवस्था किया गया है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है महिलाओं के लिए बाथरूम बनाया गया है और उधर जो है वो है पुरुष के लिए बाथरूम बनाया गया है और इधर जो है हाथ धोने के लिए व्यवस्था किया गया है। और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं ये जितना भी अभी सामान यहाँ पर गिरा हुआ है, यहाँ पर ये सारा सामान जो है अभी इसका टेंट खड़ा होगा और 14 तारीख को जो है उद्घाटन है। जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है वहाँ तक जो है टेंट घेरा जाएगा, टेंट लगाया जाएगा सभी यात्रियों के लिए, सभी भक्तजनों के लिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो गुंबज नज़र आपको आ रहा है, ये तीनों गुंबज के नीचे जो है ड्रेसिंग रूम बनाया गया है महिलाओं के लिए, जो बोलबम आएंगे, भक्तजन आएंगे, बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ जो है, ये अभी आप देख सकते हैं ये इसके नीचे 6 चेंजिंग रूम बना हुआ है और ये जो दूसरा गुंबज है उसके नीचे भी 6 चेंजिंग रूम बनाया गया है और वो जो है तीसरा उसके नीचे भी 6 चेंजिंग रूम बनाया गया है। और घाट का नज़ारा कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए घाट का नज़ारा जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं जितने भी भोले बाबा के भक्त हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है और वो जो देख रहे हैं वो खम्भे जो नज़र आ रहा है वहाँ तक जो है भक्तजन नहा सकते हैं, उसके भीतर जाएँगे तो डूबने का संभावना रहेगा, इसलिए मैं आपको बता दिया। और उधर भी देख लीजिए बहुत दूर तक जो है घाट का अच्छा फैसिलिटी बनाया गया है, अच्छा सुविधा दिया गया है। 3 गेट बनाया गया है, आप देख सकते हैं इधर 3 गेट बनाया गया है, तीनों गेट से जो है आप अंदर आ सकते हैं। वीडियो जो है कंटिन्यू ही रहेगा, आप जो है एंड तक देखिएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा, आप लोगों का कृपा रहेगा तो मैं आगे जाऊँगा।